ओके तो ऑल राइट गाइस, दोस्तों आपने जो स्टेटस अभी प्रीव्यू में देखा है तो दोस्तों इस तरीका से स्टेटस बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है जिसका नाम है लाइट मोशन। आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, इजीली आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आपको इसका मोड वर्जन चाहिए तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो दोस्तों आप वहां से भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आपको इस वीडियो में फोटो और वीडियो जो भी यूज करने वाला हूं तो दोस्तों हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो दोस्तों आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन करके रख लीजिएगा। तो दोस्तों आपको क्या करना होगा, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक सॉन्ग बीट मारा और दूसरा सिंक इफेक्ट मिल जाएगा, तो दोस्तों आपको इनपुट कर लेना है। आप उस पर क्लिक कर दोगे तो दोस्तों आपको डायरेक्टली इनपुट हो जाएगा लाइट मोशन में। तो दोस्तों आपको लाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको एक सॉन्ग बीट मारा और दूसरा सिंक इफेक्ट मिल जाएगा, तो दोस्तों आपको सबसे पहले सॉन्ग बीट मार पर क्लिक कर देना है। सॉन्ग बीट मार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको डायरेक्टली बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद दोस्तों आपको सिंक इफेक्ट पर क्लिक कर देना। सिंक इफेक्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत सारे लेयर दिखाई दे रहे होंगे, तो दोस्तों आपको इन सभी लेयर को कॉपी करना है। तो दोस्तों कॉपी करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको सेलेक्ट ऑल लेयर पर क्लिक करके फिर से इस वाले आइकन पर क्लिक करके कॉपी भी इस लेयर पर क्लिक कर देना है, तो दोस्तों आपका सारा लेयर कॉपी हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों आपको बैक आ जाना है। बैक आ जाने के बाद दोस्तों आपको सॉन्ग बीट मार पर क्लिक कर देना है। सॉन्ग बीट मार पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके आगे की ओर आ जाना है। दोस्तों आपको 12.5 पे आना है। 12.5 पे आने के बाद दोस्तों उन सभी लेयर को पेस्ट करना है, तो दोस्तों पेस्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको पेस्ट 20 लेयर पर क्लिक कर देना है, तो दोस्तों आपका सारा लेयर ऐड हो जाएगा अपने बीट के हिसाब से। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग देख सकते हैं हमारा सभी लेयर अपने बीट के हिसाब से ऐड हो चुका है, तो दोस्तों आप भी इसी तरीके से सभी लेयर को ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों हमें इन सभी लेयर पर फोटो को ऐड करना है, तो दोस्तों फोटो को ऐड करने के लिए आपको इस तरीके से स्क्रॉल डाउन करके फर्स्ट लेयर पर क्लिक करना है और दोस्तों कलर फिल पर क्लिक करके स्टार के ऊपर क्लिक कर देना है, तो दोस्तों आपको कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो दोस्तों आपका सारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आप जिस भी फोल्डर में माँ दुर्गा देवी की फोटो रखे होंगे तो दोस्तों आप उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लीजिएगा। फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको सारी फोटो ओपन हो जाएगी, तो दोस्तों आपको कोई भी एक फोटो को सेलेक्ट कर लेना और दोस्तों प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना, तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आपकी फोटो ऐड हो जाएगी। इसी तरीके से आपको फिर से नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलर स्वीप पर क्लिक करके स्टार के ऊपर क्लिक करके कोई भी फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। फिर से आपको नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलर स्वीप पर क्लिक करके स्टार के ऊपर क्लिक करके फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। फिर से आपको नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलर स्वीप पर क्लिक करके स्टार के ऊपर क्लिक करके फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। फिर से आपको नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलर फिल पर क्लिक करके स्टार के ऊपर क्लिक करके फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। फिर से आपको नेक्स्ट लेयर पर क्लिक करना, कलर फिल पर क्लिक करके स्टार के ऊपर क्लिक करके कोई भी फोटो को सेलेक्ट कर लेना, प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। तो दोस्तों आपको इसी तरीके से सेम प्रक्रिया करके जितनी भी लेयर दिखाई दे रहे हैं तो दोस्तों आपको इन सभी लेयर पर फोटो को ऐड कर लेना, इजीली आपकी फोटो ऐड हो जाएगी। तो दोस्तों आपको इन पर इफेक्ट को क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग तो जानते होंगे मैं इफेक्ट को क्रिएट करके दे देता हूँ, तो दोस्तों आपको सिर्फ फोटो को ऐड करना है। दोस्तों आपका वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, तो दोस्तों आप इन सभी लेयर पर फोटो को ऐड कर लीजिएगा। ऐड कर लेने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर वीडियो क्लिप को ऐड करना है, तो दोस्तों यहाँ पर वीडियो क्लिप को ऐड करने के लिए यहाँ पर विसर्जन वीडियो क्लिप को ऐड करना है, तो दोस्तों ऐड करने के लिए आपको इस तरीके से 0.6 पे आना है। 0.6 पे आने के बाद दोस्तों वीडियो क्लिप को ऐड करने के लिए प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना। इसके बाद दोस्तों आपको मीडिया पर क्लिक करना, मीडिया पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको इस बॉक्स के नीचे क्लिक कर देना, तो दोस्तों आपका सारा फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों आप जिस भी फोल्डर में हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड करके रखे होंगे तो दोस्तों आप उस फोल्डर के वीडियो क्लिप को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपको सबसे पहले फोल्डर को सेलेक्ट कर लेना, फोल्डर को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इस तरीके से हमें उस वीडियो क्लिप को सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों हमें वीडियो क्लिप को सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों हमें एक बार तीर के आइकन पर क्लिक कर देना, बचे हुए भाग को कट कर देना, तो दोस्तों इस तरीके से हमारा वीडियो क्लिप ऐड हो जाएगा विसर्जन वीडियो क्लिप। इसके बाद दोस्तों हमें सेड गर्ल वीडियो क्लिप को ऐड करना है, तो दोस्तों यहाँ पर फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करना, मीडिया पर जाना, उस वाले वीडियो क्लिप को सेलेक्ट कर लेना, एक बार तीर के आइकन पर क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों ये हमारा वीडियो क्लिप सही बीट के हिसाब से ऐड हो रहा है, इसको हमें कट नहीं करना है, तो दोस्तों इस तरीके से हमारा वीडियो क्लिप ऐड हो जाएगी। इसके बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, दोस्तों हमें इस वीडियो में एक टेम्पलेट को ऐड करना है, तो दोस्तों टेम्पलेट को ऐड करने के लिए हमें 0.6 पे आना। 0.6 पे आने के बाद दोस्तों हमें फिर से प्लस के आइकन पर क्लिक करना, मीडिया पर जाना, मीडिया पर जाने के बाद दोस्तों ये भी हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो दोस्तों आप इसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड कर लेने के बाद दोस्तों हमें इस तरीके से टेम्पलेट
आपको सेलेक्ट कर लेना और दोस्तों हमारा टेम्पलेट कुछ इस तरीके से सेट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों में टेम्पलेट पर क्लिक करना है, इसके बाद दोस्तों ब्लेंडिंग पर आ जाना, ब्लेंडिंग पर आने के बाद दोस्तों में लाइटिंग पर क्लिक करना है, इसके बाद दोस्तों में स्क्रीन पर क्लिक कर देना है तो दोस्तों हमारा ये टेम्पलेट ऐड हो जाएगा पूरी वीडियो में। तो दोस्तों हमारा वीडियो इस तरीके से रेडी हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमें इस स्टेटस को एक्सपोर्ट करना है, तो दोस्तों एक्सपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, इसके बाद दोस्तों आपके एक्सपोर्ट पर क्लिक कर देना है तो दोस्तों आपका वीडियो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं फिर से न्यू ट्रेंडिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम। इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार।